जय हिंद दोस्तों। दोस्तों रेलवे एनटीपीसी का वैकेंसी आउट हो गया है। ग्रेजुएशन वाला आप सब जानते हैं कि जिसकी जो फॉर्म है 14 तारीख से भरे जा रहे हैं और इसकी लास्ट डेट 13 अक्टूबर 2024 है। और इसी बीच में हमारा जो डिक्लेयर हो गया है डेट अंडर ग्रेजुएट वाला, जिसका सबका बेसब्री से इंतज़ार था कि हमें अंडर ग्रेजुएट वाली वैकेंसी कब देखने को मिलेगी, तो आपको 21 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं। आज 22 तारीख है, तो इस वीडियो में मैं अंडर ग्रेजुएट के लिए डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्या लगेगा फॉर्म भरते समय, और पोस्ट का डिटेल क्या होगा, इसकी जॉब प्रोफाइल सैलरी के बारे में मैं बात करूँगा। तो इस पर मैंने इस पर बोर्ड पर लिख लिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो बर्बाद ना हो और मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर रेलवे एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 सेफ जोन मैंने लिख लिया है, क्योंकि मैं अभी एक वीडियो बनाने जा रहा था सेफ जोन पे, जो कि इस वीडियो के बाद में बनाऊंगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं कि सेफ जोन कौन सा होगा अंडर ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं अंडर ग्रेजुएट की जो वैकेंसी है ये हमें देखने को मिल रही है 3,445। हालांकि ये वैकेंसी ऊंट के मुंह में जीरा है, यानी बहुत ही कम है। आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, इसकी जो कट ऑफ है हाई जा सकती है। अगर वैकेंसी बढ़ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको इसी में से एक पोस्ट लेने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। अब बात करते हैं कि इसका CEN क्या है, तो यानी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस, तो ये 6/2024 है, जो कि ग्रेजुएट वाला 5/2024 होगी था। तो इसकी ओपनिंग डेट कब है, यानी कि ये 21 सितंबर 2024 से अपने फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो लास्ट डेट होगी ये 20 अक्टूबर 2024 होगी। तो जिन लोगों ने पहले से ग्रेजुएशन का फॉर्म भर दिया है, चाहे किसी भी जोन से भरे हैं, आप अपना अलग से अंडर ग्रेजुएट वाला भी फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आप वही जोन ले सकते हैं या आप अपने जोन को बदल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको भारतीय रेलवे की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है rrbapply.gov.in पर जाकर के अपने फॉर्म को भर सकते हैं। और ये फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल में, हालांकि ये साइट आप ओपन करेंगे गूगल पे तो आसानी से ये साइट खुल जाएगी और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन मैं सलाह ये दूंगा कि आपको किसी साइबर कैफ़े में या फिर आप अपने कंप्यूटर के लैपटॉप पे जहां प्रिंटर भी अवेलेबल हो वहां से आप अपने फॉर्म को भरें, तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, फॉर्म भरना वही सही रहेगा। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के साइबर कैफ़े वाले के पास जाना है, बोलना भैया ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट थी रेलवे की और रेलवे की में वैकेंसी निकली है TT और दूसरे पोस्ट की, आप मेरा फॉर्म भर दो। ठीक है, तो वो आपका फॉर्म भर देगा। अब बात करते हैं कि क्या एज होगी जिससे कि आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे, क्योंकि जब हमारी एज ही नहीं रहेगी तो कोई मतलब नहीं है उस फॉर्म का। तो अगर आपकी एज 18 साल से 33 साल के बीच में है, यानी आपका जो जन्मदिन है वो 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए, एक जनवरी 2007 के बाद अगर आप पैदा हुए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। इसके अलावा अगर आपकी एज 33 साल है तो आप भर सकते हैं, इससे ज़्यादा ओवर एज माना जाता है किसके लिए, ये जनरल और आपका EWS कैंडिडेट है तो उसके लिए। ठीक है, अगर आप सामान्य वर्ग में आते हैं या फिर आप EWS में आते हैं या फिर अगर आप SC ST या OBC में आते हैं लेकिन आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो भी आपकी जो एज है 18 साल से 33 साल है। ऐसा नहीं है कि आपको 5 साल यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रहा है या 3 साल रिलैक्सेशन मिल रहा है तो आपको यहाँ छूट मिल जाएगी, नहीं, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप अनरिजर्व में अप्लाई कर पाएंगे, बशर्ते आपकी जो एज है ये सिर्फ मैक्सिमम 18 से 33 साल के बीच में होना चाहिए।
हाँ, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का, तो आपको 5 साल की छूट एससी एसटी के लिए है और 3 साल की छूट जो है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है। जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होगा तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज वो अनरिजर्व में काउंट किए जाते हैं क्रीमी लेयर, ध्यान रखना। और जो एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर स्टेट लेवल वाला होगा तो भी आप अपने फॉर्म को भर देना, लेकिन आप बनवा के रखना, बाद में मान लो आपकी नौकरी लगती है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप सबमिट कर पाएंगे। ओबीसी का सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल का पुराना होना चाहिए और ये सेंट्रल लेवल का होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि ये जो ओबीसी में कास्ट होती है कहीं कहीं ओबीसी में आती हैं तो कहीं कहीं सामान्य वर्ग में आती हैं तो कहीं कहीं एसटी कैटेगरी में आती हैं, इसीलिए ये ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल वाला ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो हो गई हमारी एज। अब हम क्वालिफिकेशन पे डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो अगर आपने 12वीं में यानी कि 12th में किसी भी सब्जेक्ट में आपने पास किया है 50% मार्क के साथ में, तो ही आप इस फॉर्म को अंडर ग्रेजुएट वाले को भर पाएंगे। लेकिन किसके लिए छूट है वो देख लो। तो अगर ये 50% मार्क सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए है या ओबीसी के लिए है या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए है, ध्यान रखना ओबीसी चाहे क्रीमी लेयर है चाहे नॉन क्रीमी लेयर है, और उन सारे लोगों के लिए 50% पासिंग मार्क कंपलसरी है 12th में। लेकिन अगर आप SC ST में आते हैं, SC ST में आते हैं, या फिर आप एक विकलांग कैंडिडेट है यानी फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है, आप अपंग कैंडिडेट है, तो आपके लिए भी ये 50% का रूल लागू नहीं है। आप 12वीं में सिर्फ पास है तो भी आप अपने फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन लोग भर सकते हैं। जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट की कर चुके हैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट में है, ग्रेजुएशन में चाहे कितने भी मार्क है, पासिंग मार्क है, तो भी आप जो है इस अंडर ग्रेजुएट वाले वैकेंसी को भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी, चाहे जनरल में आते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस में आते हैं, चाहे ओबीसी में आते हैं, आप भर सकते हैं। चाहे भले ही आपका 50% आप स्कोर नहीं किए हैं 12वीं में, भर सकते हैं बशर्ते आप ग्रेजुएट होने चाहिए। तो ये बातें क्लियर हो गई होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। इसके साथ में कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सर मुझे इसमें कुछ ITI डिप्लोमा कुछ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के ITI डिप्लोमा या फिर टाइपिंग, जैसे कुछ पोस्ट इसमें टाइपिंग वाले हैं, चाहे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है चाहे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, तो इसमें टाइपिंग भी जरूरी होता है। तो कुछ लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या टाइपिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं किसी प्रकार के टाइपिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। आप जो है अपने 12वीं किए हैं तो आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। एक सवाल और मेरे से मेरे इनबॉक्स में हमेशा पूछा जाता है कि सर मैंने 10वीं के बाद 2 साल का ITI या फिर 3 साल का डिप्लोमा कर लिया है तो क्या मुझे 12वीं के समकक्ष माना जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि 12वीं जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन प्योर मांगा जाता है। यहाँ पे आपकी जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसको नहीं मान्यता मिलती है, वो टेक्निकल क्वालिफिकेशन होती है। कहीं कहीं आपको जो 10वीं के बाद कुछ ऐसे कोर्स होते हैं जहां पे वो 2 साल का अगर कोर्स है तो वहां पे मान्यता दी जाती है, लेकिन अगर आप ITI डिप्लोमा है तो उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है। 12वीं पास होना जरूरी है। तो ये क्वालिफिकेशन के मामले में क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं कि इसमें आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे उस साइबर कैफे वाले के पास जो आपका फॉर्म भर के दे देगा। तो आपके पास कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा जो हमारा फॉर्म रिजेक्ट होता है वो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है सही नहीं होता, इसकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है।
तो आपका फोटो पासपोर्ट बैकग्राउंड व्हाइट या फिर लाइट होना चाहिए, कोई टोपी चश्मा या फिर ग्रुप फोटो सेल्फी फोटो इस तरीके से फोटो नहीं होना चाहिए। आपके दोनों कान विजिबल होने चाहिए, उसके अलावा आपकी जो चेस्ट है वो विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक ईमेल होना चाहिए, जो सबके पास मोबाइल अगर चला रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन तो प्ले स्टोर, अगर हम यूट्यूब चला रहे हैं तो सबके पास जीमेल ईमेल होता है। इसके अलावा आपका खुद का एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। रेलवे समय समय पर आपके एडमिट कार्ड और रिजल्ट से रिलेटेड सारी जानकारियां आपके ईमेल मोबाइल पे भेजेगी, ये आपके पास होना चाहिए। जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो एक क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, तो इसके लिए ये जरूरत होती है। इसके अलावा आप अपना आधार कार्ड लिए जाना, और वही आधार कार्ड में नाम रहना चाहिए जो आपका 10वीं के मार्कशीट में रहना चाहिए। अगर नहीं है तो भी आप अपने फॉर्म को भरना, लेकिन जो नाम डालना वो 10वीं के मार्कशीट पे जो नाम आपका है वही नाम से आप वो अपने फॉर्म भरना है। इसके अलावा अगर आप SC ST हैं तो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को लेके जाना, क्योंकि ये अपलोड करना होता है हमें उस जो है साइबर कैफे वाले कंप्यूटर के समय। बाकी OBC को कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये कास्ट सर्टिफिकेट SC ST को इसलिए लगता है क्योंकि अगर मान लीजिए कि वो एग्ज़ाम सेंटर कहीं जाएगा तो SC ST को फ्री ऑफ कॉस्ट सेकेंड क्लास स्लीपर का रिजर्वेशन करके पास मिलता है। इसीलिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी है, और ये सिर्फ 5 KB का होना चाहिए, इतना इसकी डिटेल वैल्यू होना चाहिए। इसके अलावा आप 10वीं के साथ साथ अपने जो 12वीं ग्रेजुएशन वाले मार्कशीट लिए जाना, क्योंकि उसके सारे सर्टिफिकेट वहाँ पे हमें सबमिट करने होते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, वो है पोस्ट डिटेल और जॉब प्रोफाइल। तो इसमें 4 पोस्ट हमें देखने को मिल रही है। पहला है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सबसे ज़्यादा डिमांडेड पोस्ट इसी का है, लोग इसी को सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं और इसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी है 3,445, इसमें जो है 2,000 के आसपास है, बाकी में कम है। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ज़्यादातर लोगों की पहली पसंद यही है, क्योंकि इससे आप जो है क्या बन सकते हैं, आप रेलवे में TC बनेंगे। स्टार्टिंग में प्लेटफॉर्म वाले टिकट चेक करेंगे, उसके बाद जब एक प्रमोशन होता है उस प्रमोशन के बाद आप रेलवे के जो कोचेज हैं, जैसे ट्रेनों में आप चलने लगते हैं, जिसको ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर TTE बोलते हैं, तो आपको वहां पे ड्यूटी लगाई जा सकती है। चूंकि ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है तो ये आपको रिजर्वेशन क्लर्क या फिर बुकिंग क्लर्क, जहाँ पे आपको अनरिजर्व टिकट मिलता है, टिकट विंडो पे भी लगाया सकता है, इंक्वायरी काउंटर पे भी लगाया जा सकता है इसकी ड्यूटी। अब बात करते हैं दूसरा पोस्ट है, तो ये है हमारा ट्रेन क्लर्क। अच्छा, मेडिकल स्टैंडर्ड की बात मैं कर लेता हूँ, ये B2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, और इनमें जो है चश्मा अलाउड है सब में। आप विकलांग हैं तो भी आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आप कलर विजन आपके आँखों में है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ ये जो ट्रेन क्लर्क है इसको ध्यान रख लेना, अगर आप ये ट्रेन क्लर्क चुनते हैं तो इसमें जो है आपको आँखों पे चश्मा तो होना चाहिए, लेकिन आप लेसिक सर्जरी नहीं किया होना चाहिए। बाकी सब में लेसिक सर्जरी अगर आपने आँखों को ठीक करने के लिए किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेन क्लर्क की ड्यूटी ज़्यादातर मालगाड़ी के पार्सल यार्ड में लगती है, जहाँ पे वो गाड़ियों के पेपर्स बनाता है या डॉक्यूमेंट्स बनाता है या उसके साथ में ब्रेक पावर सर्टिफिकेट बनाता है। ये ट्रेन क्लर्क हो गया। दूसरा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तीसरा सॉरी। तो ये ज़्यादातर लड़कियों की पहली पसंद होती है, क्योंकि ये इसमें नाइट ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है, सैटरडे संडे छुट्टी, और उसके अलावा जितनी भी छुट्टी है सारी छुट्टी इनकी घर में रहती है। और ये ज़्यादातर रेलवे के जो है कर्मचारियों के काम करते हैं, जैसे जॉब में उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी निकालना या फिर उनका जो है सर्विस रिकॉर्ड रखना। इसके बाद आते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, तो ये अकाउंट डिपार्टमेंट में क्लर्क होता है। यहाँ पे आपको रेलवे के जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जहाँ पे पैसे का लेना देना है, वहाँ पे आपको क्लर्क बनाया जाएगा। जैसे हमें सैलरी को पास करना या रेलवे का टेंडर से जो भी प्लेटफॉर्म पे काम होना है या पैसे का जरूरत है, तो यहाँ पे ये लोग इस पोस्ट पे काम
काम करते हैं। तो ये एक वीडियो हमारा था जो कि इस अंडर ग्रेजुएट वाली वैकेंसी के लिए था। फिर भी आपको कुछ डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में करना, मैं रिप्लाई करता हूँ। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। यानी मेरा नया टॉपिक ये है कि इसमें आपको कौन सा सेफ जोन लेना चाहिए जहाँ से आप अपने फॉर्म भरते हैं, तो हो सकता है कि पर सीट कॉम्पिटिशन कम चली जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगला वीडियो हमारा सेफ जोन पे रहेगा, वो देखना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।